नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। यूपी के संत कबीर नगर जिले में भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है, तो वहीं जिले के मेहदावाल विधानसभा के करमैनी घाट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हो रहा है। आगमन को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सदरे आलम मौजूद हैं। क्या है उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का रूपरेखा, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद आज विकसित संकल्प यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन आज संत कबीर नगर जिले में हो रहा है। संत कबीर नगर जिले के मेहदावल स्थित करमैनी घाट पर भारत विकसित संकल्प यात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर खलीलाबाद पुलिस लाइन में लैंड होगा। उसके बाद यहाँ से वह पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे, जिसके बाद जो है उनका काफिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगा, जहां पर जिले के आला अधिकारियों के साथ उनकी एक समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता की जाएगी। अब देखने वाली बात यह तो है कि संत कबीर नगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है और यहां पर जो डिप्टी सीएम का आगमन हो रहा है, 2024 के चुनाव को लेकर काफी अंदर से जो है सुगबुकाहट तेज हो गई है कि 2024 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो संत कबीर नगर जिला एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां पर पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है और अधिकारियों को कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर उन्हें एक अलग दिशा निर्देश दिया जा रहा है और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करने के बाद वह यहां से प्रस्थान करेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए संत कबीर नगर से मैं सदरे आलम खान। जहां एक तरफ कोरोना ने वापस दस्तक दे दी है, कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 तांडव मचा रहा है, वहीं हरिद्वार में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर जिला अस्पताल और रुड़की सिविल अस्पताल पहले से ही प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है, जिसके अंतर्गत अस्पताल में कोविड वार्ड और गहन संरक्षण इकाई यानी ICU तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सकों को सक्रिय रहने और अस्पतालों में चिकित्सकों को मैन पावर पूरी रखने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। COVID-19 के नए रूप JN.1 को लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके दृष्टिगत रुड़की सिविल अस्पताल पहले से ही प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में सक्रियता से जुटा हुआ है। COVID-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अस्पताल में एक 40 बेड का कोविड वार्ड और 11 बेड का ICU तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में स्वच्छता मानकों के अनुपालन के निर्देश दिए जा चुके हैं। हरिद्वार मां मनसा देवी मंदिर की दर्शन यात्रा करने वाले रोपवे का संचालन नए साल की शुरुआत के साथ ही बंद हो गया है। रोपवे का संचालन कर रही कंपनी के अनुबंध की समय सीमा समाप्त होने से पहले साल के पहले दिन लोगों को पैदल जाकर मंदिर में दर्शन करने पड़े। संचालन कर रही कंपनी का कहना है कि अब रोपवे का संचालन तभी हो पाएगा जब सरकार रोपवे कंपनी के संचालन के अनुबंध पत्र यानी लीज की समय सीमा को बढ़ा देगी। विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर पर जाने के लिए रोपवे का संचालन किया जाता है। रोपवे से लोग आसानी से मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिसमें खासकर महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मंदिरों पर जाने में आसानी होती है। लेकिन अब रोपवे का संचालन बंद होने के चलते यात्रियों और श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि जिस तरह से आज कांग्रेस का बुरा हाल है, ठीक इसी तरह बीजेपी का भी बुरा हाल होने वाला है। वहीं सपा विधायक ने बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में मुसलमान ना मस्जिद के अंदर अजान दे सकते हैं ना ही सफर में नमाज पढ़ सकते हैं। संभल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि भाजपा का जहां तक सवाल है, इन्होंने तो दिखावे के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया है। उनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई मापदंड नहीं है। बीजेपी 80-20 की लड़ाई लड़ती है। बीजेपी हर वो काम करती है जिससे मुसलमानों के भीतर नफरत पैदा हो और अपने वोटरों को खुश करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। सपा विधायक ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा मन से नहीं बल्कि दिखावे का मोर्चा है।
भाजपा का जहां तक सवाल है तो इन्होंने तो वैसे ही ये दिखावे के तौर पर ये मोर्चा बना दिया अल्पसंख्यक का। इनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई कंसेप्ट ही नहीं, 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो, ये अपने वोटर्स को खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। ये मोर्चा बनाया है, ये मन से नहीं है, दिखावे का मोर्चा है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय कुमार गौंड अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री ने कहा कि 2017 के पहले तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन जनजाति के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। संजय कुमार गौंड ने कहा कि आज पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है और 22 जनवरी को केवल जनजातियों ने ही नहीं सारे समाज के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ ही 22 जनवरी के बाद सभी विधानसभा से दर्शन के लिए समस्त समाज के लोगों द्वारा दर्शन पूजन होगा। श्री राम लल्ला से सबकी आस्था जुड़ी है। वहीं राहुल गांधी की नई पदयात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी कितने भी यात्राएं निकाल ले पूरे देश में या प्रदेश में, और आप सबने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 2017 के पहले प्रदेश में तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन जनजातियों के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी, तो जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और जो जनजातियों का हक अधिकार था जो इसके पहले 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, वह 2017 के बाद भाजपा की सरकार में आज मिलने का काम हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि नए कानून पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। वहीं इससे पहले देशव्यापी हड़ताल का असर रायबरेली जिले में देखने को मिला, जहां ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। रायबरेली जनपद में विभिन्न कंपनियों के कुल 104 पेट्रोल पंप है, लेकिन अचानक देर शाम से जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर अचानक भारी भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले 100-150 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, वो अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हड़ताल के चलते पेट्रोल टैंकरों के आने में कुछ दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। एक ये जो नया नियम आया है हिट एंड रन वाला, उसके कारण ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं, तो शायद ये शंका है कि पेट्रोल के भी जो ट्रांसपोर्टर हैं इंडियन ऑयल और अन्य कंपनियों के, वो भी हो सकता है हड़ताल पर चले जाएं, इसके कारण जो है ज़्यादातर लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलाने। हाँ, ये लोगों को रूमर है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, व्यवस्था कर रखी है, पेट्रोल डीजल हमारे पास पर्याप्त है और दूसरा हमारा लोड आ भी रहा है, इसलिए कोई डरने की और चिंता की बात नहीं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन कानून को लेकर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, वहीं इससे पहले देर शाम कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने जनपद के ट्रांसपोर्टर बस ऑपरेटर सहित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जनपद में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है, अंतः पैनिक होने में ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि उपभोग के अनुसार स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी, यदि कोई अड़चन आती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि उस समस्या का निस्तारण किया जा सके।
आज शाम को मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बीपीसीएल एचपीसीएल इनके जो रीजनल मैनेजर्स हैं और समस्त संबंधित अधिकारीगणों के साथ बैठक करी गई और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समीक्षा के उपरांत यह स्थिति स्पष्ट है कि किसी भी तरीके की पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया पैनिक में और अफवाहों में ना आए और हम लोग इस चीज़ को पूरा सुनिश्चित करा रहे हैं। काशी के हुनरमंद कारीगरों की लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों को अयोध्या के राम मंदिर में सजाया जाएगा। वाराणसी के कास्ट कलाकारों ने भगवान राम के विभिन्न लीलाओं को 53 प्रकार से तैयार किया है, जिसे अयोध्या भेज भी दिया गया है। राम की नगरी अयोध्या और शिव की नगरी काशी का धार्मिक संबंध पहले से रहा है, अब काशी और अयोध्या का व्यवसायिक संबंध भी बन रहा है। शिलान्यास के बाद एक और अयोध्या में पर्यटकों की अमाद बढ़ी है। वहीं काशी के हुनरमंद कारीगरों की लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। वाराणसी में आने वाले पर्यटक भी राम दरबार की मूर्तियां खास पसंद कर रहे हैं। इन कास्ट कलाकारों का कहना है कि राम दरबार की मांग ज़्यादा आ रही है। लकड़ी खिलौने उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अयोध्या में आने वाले धार्मिक पर्यटकों को लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों को बेहद पसंद आ रही है। अब बहुत ही खुशी की बात है, ये पूरे हम लोग के सबके लिए एक त्यौहार का दिन है जो एक आने वाला है और हम लोग ने इसके लिए रामलीला जितनी भी राम की कथाएं हैं जो उनके वनगमन से लेके सीता हरण से जितनी भी मेन मेन कथाएं हैं उन सब का हम लोग ने सीन बनाया है। लगभग हम लोग ने अभी 52 सीन्स बना के वहाँ भेजे हैं और इस पर हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। वो वहाँ के म्यूजियम में सजेंगे जाएंगे, बहुत ही खुशी। ठंड की वजह से कई दिनों से काशी के घाटों पर सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ऐसे में घने कोहरे के कारण इंसान तो इंसान, अब भगवान को भी ठंड लगने लगी है। वाराणसी में कई ऐसे मंदिर हैं जहां भगवानों को भी स्वेटर और शॉल पहनाकर ठंड से बचाया जा रहा है। काशी में भी ठंड का असर पूरी तरह से देखने को मिलने लगा है। बनारस के चौराहे गलियों से लेकर 84 घाटों पर घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि गंगा में चलने वाले ज़्यादातर नाव घाट किनारे खड़े हैं। ठंड के असर से बचने के लिए वाराणसी में इंसानों के साथ ही भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। वाराणसी के बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को गर्म कपड़े कंबल से ढक कर रखे गए हैं। सार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने विनस्ते। गंगा जी के मात्र दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय ठंड का कोहरा प्रचंडता पे है, देवी देवताओं को भी हम लोग भावनात्मक रूप से जिस तरीके से अपने शरीर की सेवा करते हैं, देवी देवताओं की उनकी बर से करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग माँ को भी शाम को सैंट के समय गर्म अंगवस्त्र पहनाते हैं। ठंडी बहुत काफ़ी पड़ रहा था, यात्री कम आ रहे हैं और स्नान करने वाले भी कम आ रहे हैं। क्या सर हवाएं भी चल रही हैं? हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। प्रयागराज जिले के हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौद क्षेत्र के उपरदहन गांव के नेशनल हाईवे पर पार कर रहे बच्चे का कार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज नगर भेज दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर में बदमाशों ने कार सवार युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे कार सवार युवक की गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो फरार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला हिमपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है।
मैं रामर जपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर, आज फतेहपुर कला में हुई फायरिंग की घटना के बारे में अवगत कराना है कि लगभग 9:30 बजे पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पुनीतपुर बल्ली जब हिमपुर दीपा से अपने गांव फतेहपुर कला जा रहे थे, जब वो मुख्य मार्ग से गांव की तरफ मुड़े, लगभग 100 मीटर दूरी पर दो व्यक्ति आए और इनकी कार अत्यंत स्लो गति से चल रही थी। एक व्यक्ति ने ड्राइवर की साइड से फायर किया जो उनके बाएँ हाथ के कोहनी के ऊपर लगी और जिसमें काफ़ी ब्लैकनिंग भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इनके परिवारिक जन से तहरीर ली जा रही है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इस घटना की सभी पहलुओं से पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।